हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज 19 तारीख है और सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6:35 बज रहे हैं और मैं और अर्जुन खड़े हैं अर्जुन के बस स्टॉप पे। कितना मस्त सनराइज हो रहा है देखो पीछे से, और हल्की फुल्की धूप निकल रही है और मज़ा आ रहा है। मतलब सुबह सुबह फ्रेश फील हो रहा है। मैंने सुबह सुबह इतना जल्दी कभी उठता नहीं हूँ, अब ऐसा लग रहा है कि उठना पड़ेगा क्योंकि मज़ा आ रहा है और ये मज़ा मेरे को नहीं चाहिए। तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलने के लिए कुछ दोस्त आए, मेरे नए दोस्त। अरे कचरा सेठ, कचरा सेठ, ये आपने क्या उठा लिया कचरा सेठ? वाह भाई, अभी मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि प्यार करने जाऊं और कार्ड वाट लेंगे तो, क्योंकि मेरे को जानते नहीं है ना। नहीं काटेंगे ना भाई, काटेंगे तो नहीं, फिर भी थोड़ा डाचू भरा लेंगे। क्या बात है, काफ़ी देर वेट करने के बाद अपनी बस आ गई और अर्जुन हाथ दिखा रहा है कि भाई रोको रोको, अपन को जाना है। दानकुनी पहुंच गए, हिरन भी लेने आ गया और देखो सुबह काम में मतलब गड़बड़ी हो गई, देरी हो गई, टायर फट गया स्कूटी का, देखो पंचर हो गया। तीन जन बैठे थे हम लोग हट्टे कट्टे, ठीक है, और टायर फट गया। अभी हिरन फोन लगा रहा है और मेरे को बहुत जोर की वॉशरूम लगी है, मेरे को जैसे तैसे करके मेरे को घर जाना है यार। हिरन तो हिरन स्कूटी के सामने खड़ा है और मैं और अर्जुन जा रहे हैं यार, हम लोग से रहा नहीं जाएगा, लिटरली रहा नहीं जाएगा। दो घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ, मतलब ऐसे दो तीन घंटे से मेरे को लगी है। बस ड्राइवर साला रुक नहीं रहा था, ठीक है, मैं बोला कि भाई भला होगा तेरा, ठीक है, वो रुका नहीं रहा था। इतनी जोर से लगी है भाई मेरे को बस घर जाना है। एक नंबर दो नंबर सब लग गए। आंसू है, सरप्राइज दे दे दी। अरे सर, लगे सरप्राइज भाई। तो मेरे वॉशरूम ने थोड़ा सा सरप्राइज का प्लान थोड़ा सा चौपट किया, लेकिन वो लोग सरप्राइज हो चुके हैं और अभी मैं दीदी के घर में हूँ, गुडीदी के घर। खैर मेरे को पहले जाना था अंकिता के घर, बट कोई बात नहीं, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ और वहाँ पे रास्ता पूरा जाम है। वहाँ पे आज कोई प्रोग्राम है यार, कोई पूजा टूजा कुछ है। यहाँ पे कश्यप से मिलो यार, इतना भी हंस रहा है कश्यप। कश्यप बाबूरी बाबू, मेरे को पहचान लिया उसने, है ना कश्यप? खेलेगा मेरे साथ? हाँ खेलेगा, नहीं अभी सो जाओ, ठीक है, बाद में खेलेंगे। मोरिया रे बाबा मोरिया रे, बोलो बोलो मोरिया रे बाबा मोरिया रे,
फ्रेंड मतलब बेसिकली ये क्या था, मतलब आज क्या है? रथ यात्रा था। रथ यात्रा लेकिन किस लिए? हिमनगर का मंदिर का यात्रा था, पूजा था। अच्छा यहाँ पे जो हिमनगर है वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर उसकी एनिवर्सरी थी, है कि नहीं? एनिवर्सरी है ना, एनिवर्सरी थी। कितने साल पूरे? सात साल पूरे हुए मंदिर को, इसलिए एनिवर्सरी और धूमधाम से मनाया। देखो जय श्री राम बोल बोल के काफी भाई। जय श्री राम, जय जय। पूरा रास्ता जाम करके रख दिया देखो पीछे। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मोमेंट है मोमेंट। हाँ देखो वहाँ अभी भी रैली चल रही है। कहाँ तक जाएगी वो रैली? अच्छा वहाँ से घूम घूम के फिर हिमनगर वापस आएगी, हाउसिंग से होकर फिर हिमनगर वापस आएगी। भाई साहब नेक्स्ट लेवल फीलिंग आती है ना, सब कोई जब बोलते हैं जय श्री राम करके इतना मतलब मजा आ जाता है भाई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मजा आ जाता है भाई, फील आती है फील। पूरा रोड जाम करके रख दिया है। रोड देखो, रोड कहाँ तक जाम होके रखा है देखो, बाप रे कहाँ तक जाम होके रखा है रोड। खिलौने वाले को बस मोमेंट चाहिए होता है, जहाँ बच्चे दिखे वहाँ पे जाएंगे तो अपना धंधा हो जाएगा। वाह सही है भाई। इतने गर्मी में भगवान थक गए, कुछ ठंडा पी रहे हैं। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाए, रैली देख के काफी मजा आया। और अभी सारे बच्चे अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे बारी बारी, तो लेडीज फर्स्ट। तो सबसे पहले ध्रुवी फर्स्ट। ध्रुवी अपना नाम बताओ। मैंने बता दिया लेकिन फिर भी बताओ। धानवी नाम है। दो नाम है। अच्छा दो नाम है, धानवी और ध्रुवी। आपको जो अच्छा लगा बुला सकते हो, है ना? कौन से क्लास में पढ़ रही हो? अच्छा डेफोडिल्स में। कोमल दीदी वहाँ पे ट्रांसलेटर का काम कर रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कोमल दीदी ट्रांसलेटर का काम कर रही है। और परीक्षित, परीक्षित जा तुम भी अपना इंट्रो दो, तुमको सब कोई जानते हैं, तुम एक बार यहाँ पे आके ओते बोल दो। ओते नहीं, यहाँ पे आके बोल दो ओते। हाँ ओते, चलो जाओ हो गया। गजब बेइज्जती है, सॉरी। आओ बोलो, अब तुम्हारा नाम बोलो। मेरा नाम सौर्या पटेल है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 3। अच्छा पढ़ते हो, पढ़ाई होती है? हाँ। ऑनलाइन हो रही है पढ़ाई? हाँ। वाह सही है, चलो हम लोग की तो नहीं हो रही है भाई। कश्यप, हाँ 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 कश्यप, हाँ ओहो, अरे तुम्हारे मुंह से तो तुम्हारे ये बड़े हैं चश्मे। एलेक्सा कमरिया कोरे लाला पॉप लगाओ। ओके। Amazon Music पर ये रहा राजन राज का कमरिया करे ना पला। यस। तो अभी अंकिता के घर में है, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, और अंकिता ये रही। हेलो। और अभी अंकिता अपने घर का टूर देगी। ये रहा हॉल, ये रहे हम लोग के सारे मेंबर, अंकिता, जूही, अर्जुन, हिरेन, भक्ति। भक्ति हिरेन की बहन है और बहुत शर्माती है ब्लॉग में आने के लिए, और अभी फाइनली वो आ गई। और ये रहा भगवान का मंदिर। तो मैं आने के टाइम बच्चों के लिए कुछ लेके नहीं आया था, तो अभी मैं बाजार गया था, हाउसिंग गया था, और 9 बजे मतलब 9:15 बज रहे हैं और हाउसिंग गया था मैं कुछ बच्चों के लिए कुछ लेने। तो ये चिप्स की माला
चॉकलेट्स बच्चों के लिए। बच्चों का कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। अरे खुश हो कश्यप भी देख रहा है हमको मिलेगा खाने। कश्यप ऐसे देख रहा है ना कश्यप, है ना? तुम अभी छोटा है, तुम जब बड़ा होगा तब खाना, ठीक है? ठीक है। रात के 10:30 बज रहे हैं और अंकिता और जूही हम लोग को शरबत बना के पिलाने वाली हैं। जूही के ससुराल वाले देखेंगे और बोलेंगे वाह हम लोग की बहू कितनी अच्छी है, रात के 10:30 बजे भी कितना काम करती है। और अगर मना किया जूही ने तो क्या सोचेंगे जूही? हाँ जूही अगर तुम मना करोगी तो लोग क्या सोचेंगे जूही? अंकिता प्लीज, आप देखो हमारे लोग के भाई कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, जाओ। थैंक यू। अभी वहाँ पे खड़ी थी और मेरे को बोली थी ये वीडियो ले। मैं बहुत बदमाश हूँ। अंकिता ने बनाया होगा तो अच्छा ही होगा। गजब बेइज्जती है।